नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में कथक का एक अलग समृद्ध इतिहास है, एक समृद्ध परंपरा है, और हाल के दिनों में जिन कलाकारों ने इस नृत्य शैली में अपनी मजबूत पहचान बनाई है, उनमें से एक है गौरी दिवाकर। गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। गौरी, रागगिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, रागगिरी में मुझे आमंत्रित करने के लिए शिवेंद्र जी आपका सहृदय धन्यवाद। गौरी, अब इस इंटरव्यू के की शुरुआत सिलसिलेवार तरीके से करते हैं, और अब यही पहला प्रश्न कि आप आती हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर जैसी जगह में कथक कलाकार बनना है, ये सपना आपने कैसे देखा था? जी बिल्कुल सही, मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। बहुत छोटा सा शहर लेकिन समृद्ध हर तरीके से, और मैं कह सकती हूँ कि बहुत छोटी थी जब मैं अपनी नृत्य की शुरुआत की थी। उस समय मैं नहीं कह सकती कि मुझे प्रोफेशनली इसको आगे लेना था। मैं 12वीं के बाद मैंने डिसाइड किया था, लेकिन ये ज़रूर था, जो जुनून था कि नृत्य सीखना है, वो बहुत छोटे से शुरू हो गई थी, और अपनी ज़िद के आगे मैं किसी को नहीं आने दी थी। और मैंने अपनी माँ से कहा था कि मुझे बस सीखना ही सीखना है, और मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो मम्मी ने कहा भी था कि कल चल लेंगे एडमिशन के लिए, लेकिन नहीं, मुझे उसी समय उसी दिन जाना था। और संगीत समाज जो कि पंडित आनंद चौधरी जी चलाते थे टाटा कंपनी के सहयोग से, और वहाँ मैं पहुँच गई और संगीत समाज से मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई थी। दरअसल पिछले प्रश्न को पूछने का मकसद ही यही था गौरी, कि हमारे समाज में अब भी इस तरह की सोच है, कम हो रही है जरूर, लेकिन है, जिसमें लोगों को लगता है कि घर की लड़की को नृत्य सिखाना, संगीत सिखाना, इन सब की आखिर ज़रूरत ही क्या है, और फिर वो करेगी क्या ये सब सीख के। तो क्या किसी इस तरह की कोई चुनौती आपके पेरेंट्स के सामने या आपके सामने भी आई? मैं ऐसा ज़रूर समझती हूँ कि जब तक चुनौतियाँ नहीं हो तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, और ये बिल्कुल सही बात है कि छोटे शहर का होना, बिहारी फैमिली से होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, जो कि इसको संगीत के रूप में आगे ले जाने के लिए। मेरे पास भी चुनौतियाँ आई, पर घर से नहीं, कभी भी नहीं। हम 6 बहनें थे और मेरे माता पिता ने मुझे पूरी तरह से सहयोग दिया, सभी बहनों ने सहयोग दिया आगे बढ़ने के लिए। कोई मेरे कॉस्ट्यूम बनाता था, कोई मेरा मेकअप करता था, और ये जो मोरल सपोर्ट बचपन से मिलता है एक पेरेंट्स की तरफ से और बाकी परिवार के सदस्यों की तरफ से, बहुत बड़ी बात होती है। और ये सच है कि मेरे परिवार में भी किसी को भी संगीत की कोई, जिसके कह सकते हैं, ट्रेनिंग नहीं थी, ज्ञान नहीं था। मैं अकेली थी जो कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ी थी, और वही मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं जो सीखती थी वो मैं अपने डांस क्लास में ही जाके सीखती थी, वापस आके घर पे प्रैक्टिस करती थी, बट उसको करेक्ट करने वाला कोई नहीं था, और जिसका मलाल मुझे आज तक नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई बहुत ही अच्छी हुई, भगवान जो चाहता था मेरे लिए, जो मेरी किस्मत में लिखा, वो सारी चीज़ें मुझे मिली, और आशा करती हूँ कि आगे भविष्य में भी मिले। और जहाँ तक चुनौतियों की बात है, बचपन से अभी तक चुनौती रही है मेरे साथ में किसी न किसी रूप में, और मैं उसे हमेशा बहुत ही सकारात्मक तरीके से उसको मैंने एक्सेप्ट किया है। और मैं फिर कहती हूँ कि बिना चुनौती के कोई काम आसान नहीं है, और जब चुनौती नहीं है तो आगे की जो कह सकते जो रिजल्ट है मेरे काम का, उसमें भी मज़ा नहीं है। तो ये दोनों चीज़ अगर समानांतर तरीके से बढ़ती रहे तो बहुत सुखद अनुभव भी होती है। और फिर उन चुनौतियों को पार करके आप पहुंची सुमिता चौधरी जी के पास।
वो किस्सा क्या था, वो कहानी क्या है, वो हमें सुनाइए। और जैसा कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे संगीत समाज जाना है और मैं संगीत समाज पहुंची, सबसे मेरे घर के सबसे नज़दीक वही इंस्टीट्यूट था, जैसा कि मैंने बताया पंडित आनंद चौधरी जी उसे चलाते थे, वहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ भी होती थी। और टाटा कंपनी, टाटा मोटर्स जो समय टेलको के नाम से जाना जाता था, उसका उसको हेल्प भी था। जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मुझे पूछा गया कि क्या करना है, मैंने कहा मुझे नृत्य सीखना है। और फिर दोहराना चाहती हूँ कि शायद मेरे नियति में ही लिखा था कि मैं कथक ही करूँगी शायद, इसलिए वहाँ पे कोई और डांस फॉर्म नहीं सिखाया जाता था, सिर्फ कथक सिखाया जाता था। और वहाँ से मेरी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई और मेरी पहली गुरु मुझे सुमिता चौधरी जी मिली। और करीब 10 साल मैं उनके अंडर में मैंने अपनी नृत्य की शिक्षा ली। वो वहाँ पे खुद भी सीखती थी, जो सीनियर्स क्लासेस होती थी वो वहाँ पे सीखती भी थी और मुझे सिखाती भी थी। वो जो 10 साल की ट्रेनिंग थी वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि मुझे एक तो छोटा शहर और मुझे ये नहीं पता था ये घराने, गुरु, परंपरा, ये सब कुछ नहीं, मुझे बस नृत्य करना था। तो जो कहते हैं कि बिना किसी भी टेंशन के, बिना किसी क्वेश्चन के कि क्या, क्यों, कैसे, किधर, ये सब कुछ नहीं था, बस नृत्य सीखना है। और वो मैं 10 साल बेझिझक सीखती चली गई। तो गौरी, अब इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आए उससे पहले एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि अपनी किसी प्रस्तुति की झलकियां हमें दिखाएं और उसके बारे में बताएं भी जरूर कि आखिर वो क्या खास है उस प्रस्तुति में। बात 2009 की है, जब कथक महोत्सव में मुझे अपनी नृत्य की प्रस्तुति करनी थी और मैं अदिति दी के पास गई थी। मैंने कहा था ये मुझे 35 मिनट का समय मिला है, आप कुछ तैयार कर दीजिए। और मुझे एक तरह से खुला भी करना है और बंधा हुआ भी करना है, जो कोरियोग्राफ सोलो जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर हमने शुरुआत में इन्वोकेशन के तरीके पे गणेश वंदना उन्होंने मुझे सिखाया। और फिर वही बात कि एक छोटे से गणेश वंदना को सिखाने के लिए उन्होंने मुझे कहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने गणेश जी के डिफरेंट वेरिएशन है, कैसे उठते हैं, बैठते हैं, उनके हाथ में क्या क्या है, क्योंकि जैसे जैसे स्टेट्स बदलता है हमेशा वो नाम अलग हो जाता है, देखने का तरीका अलग हो जाता है, रंग रूप अलग हो जाता है। तो उस तरह से उन्होंने कहा पहले सोचो, पढ़ो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं सिखाऊंगी। इस तरह से वो गणेश वंदना तैयार हुआ। उसके साथ में अंत में मुझे करना था, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की कविता मुझे मिली, नैनों के डोरे लाल गुलाल भरे, बहुत ही सुंदर कविता थी और बहुत सेंशुअस। और फिर मैंने दीदी को कहा था कि आप इस पर कंपोज कर दीजिए। उन्होंने कहा ये तो हिंदी इतनी मुश्किल है, इसमें हम कैसे करेंगे। मैंने कहा ये इतने कष्टकर है, इसमें कई शब्द ऐसे जो कि मेरी को, जो जहाँ पर मुझे हिंदी कविताएं पसंद है वो भी मेरे को समझ नहीं आ रही थी वो चीज़ें और शब्द। सो मुझे लगा कि सबसे सही इंसान है जिनसे मैं बात कर सकती हूँ। और मैंने फ़ोन घुमाया फिर मनु भंडारी जी को और उन्होंने मुझे सहयोग दिया। उस समय 2009 की बात है और पूरी कविताओं के जो सबसे मुश्किल शब्द थे उनका उन्होंने मतलब बताया मुझे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और इतनी खूबसूरत कविता थी वो, और वो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी, नैनों के डोरे लाल गुलाल भरे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता थी और कोरियोग्राफ्ड बाय जो नृत्य संरचना के अदिति मंगल दास जी के थे। आपके व्यक्तित्व का, आपके करियर का वो अहम पड़ाव जब पंडित बिरजू महाराज जी आपको सिखाने के लिए तैयार हुए,
तो पहला तो स्वाभाविक प्रश्न यही कि पंडित जी से जब पहली मुलाकात थी, किस तरह से वो आपको सिखाने के लिए तैयार हुए, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ याद आता है? फिर मैं 12वीं की पढ़ाई करने के बाद मैं दिल्ली आई, और दिल्ली में आई थी पढ़ाई अपनी आगे करने के लिए। लेकिन मुझे मेरे दीदी जिया जी के घर में मैं रहती थी, और फिर मुझे बताया गया कि कथा केंद्र एक है यहाँ पे दिल्ली में मंडी हाउस में, वहाँ पे आप जाके देख सकती हैं कि आगे कैसे सीखना है। क्योंकि मैं बहुत 10 साल अपना लगा कर आई थी इस आर्ट फॉर्म में, और जब मैं कथक केंद्र में गई और वहाँ पे इंटरव्यू होता है प्रॉपर एडमिशन के लिए, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ, और एडमिशन के बाद मुझे डिप्लोमा ऑनर्स कोर्स डायरेक्टली मिला। और मेरी ट्रेनिंग को देख करके, पिछली 10 साल की ट्रेनिंग को देख के, और इंटरव्यू में खुद महाराज जी बैठे थे, मुझे आज अच्छे से याद है कि महाराज जी, भारती गुप्ता जी और मुन्ना शुक्ला जी गुरु जी बैठे थे मेरे इंटरव्यू लेने के लिए। और उस इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन डिप्लोमा ऑनर्स कोर्स में हुआ था। बट दुखद बात यह थी कि एडमिशन के बाद फिर मुझे पता चला कि महाराज जी की तबीयत उस समय ठीक नहीं थी, और वो 6 महीने करीब अभी डांस नहीं सिखाएंगे। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि मुझे पंडित जय किशन महाराज जी के साथ, जो कि महाराज जी के बड़े बेटे हैं, उनकी क्लास में जाना है, और वो ट्रेनिंग मेरी 22 जुलाई 1996 से, मुझे डेट आज भी याद है अच्छे से, वहाँ से शुरू हुई। और उन्हें प्यार से हम चीकू भैया बोलते हैं, और वहाँ से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। और करीब 6 महीने बाद जब महाराज जी वापस आए हैं कथक केंद्र में वापस हमारी ट्रेनिंग के लिए, तो हमें बोला गया अब आपको महाराज जी के क्लास में ट्रांसफ़र होना है। वो मेरे लिए थोड़ा सा सदमा जैसा था, क्योंकि ऑलरेडी पंडित जय किशन महाराज जी के पास में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, 6 महीने बहुत बड़ा समय होता है एक तरह से गुरु के साथ लगाव होने का, उनकी ट्रेनिंग को समझने का। और महाराज जी का नाम सुन के ही मैं बहुत डर गई थी, और एक बार तो मैंने ऑफिस में कह दिया था, नहीं नहीं मुझे महाराज जी से नहीं सीखना है, मैं जय किशन महाराज जी के पास ही रहना पसंद करूँगी। बट वो हमारे वहाँ का नियम था कि जो डिप्लोमा ऑनर्स कोर्स के बच्चे हैं वो महाराज जी के पास ही जाएंगे। और जब मैं महाराज जी के पास गई, उन्होंने पहले दिन देखा और कहा कि अच्छा ये बताओ चीकू ने तुम्हें क्या क्या सिखाया है। और फिर उन 6 महीनों में भैया ने हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाई थी कि मैं एक के बाद एक करती चली गई, और वो थोड़े से आश्चर्यचकित भी हुए थे कि अरे 6 महीने में इतनी सारी चीज़ें। और मेरे लिए वो बहुत सुखद अनुभव था महाराज जी को देखना, उनकी क्लास। एक क्लास महाराज जी के मिस करने का मतलब तो होता था कि आप एक महीना मिस कर देते हैं। सो महाराज जी की एक एक बातें, एक एक चीज़, आप कह सकते हैं कि अपने आप में वो पूर्ण किताब है। मैं जो हमेशा कहती हूँ कि पूरी किताब है महाराज जी, जो कि आप सीखते हैं, सुनते हैं। अगर आप नृत्य नहीं भी कर रहे, अगर आप बैठ कर, अगर आप घंटों सुनते हैं, तो भी अंदर आपके अंदर वो आर्ट फॉर्म जा रहा है, और ये सबसे खूबसूरती वाली बात है। अच्छा गौरी, मैं मतलब मुझे भी ये सौभाग्य है, रागगिरी को ये सौभाग्य है कि हमें पंडित जी का आशीर्वाद मिलता रहता है। पंडित जी एक बात कहते हैं कि वो अब भी खुद को शिष्य मानते हैं, खुद को गुरु नहीं मानते। तो आपने जो उनसे जितने वर्षों तक सीखा है नृत्य, आपने गुरु के तौर पर उनमें क्या कुछ अलग देखा, क्या कुछ ऐसा देखा जो उन्हें महानता की श्रेणी में ले जाता है? कथक शब्द का जब की जब बात आती है, तो मैं एक ही बात कहती हूँ, वो है पंडित बिरजू महाराज जी। और मेरे लिए, मैं फिर से कहूँगी, सिर्फ 2 साल उनसे सीख पाई थी, लेकिन हर गुरु पूर्णिमा में उनके पास जाना, पूजा करना, उनके प्रोग्राम्स में जाना, उनको देखना, मेरे लिए पेंटिंग वो है, स्कल्पचर वो है, और जो भी चीज़ आप कह लें, फ्रेमिंग डांस में कैसे होती है, और डांस में एक बिंदु पर खड़े होकर के, एक सेंट्रलाइज जिसको कहते हैं, कैसे नृत्य करना है, हर एक तोड़े टुकड़े के पीछे उसकी भाव को समझाना, एग्जाम्पल देके सिखाना, डांस कैसे सिखाना है, नृत्य अपने शागिर्दों को कैसे सिखाना है, ये मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। और ये सबसे ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि ट्रेनिंग जो होती है, जैसे पढ़ाई में आप कहते हैं बीएड की ट्रेनिंग और एमएड ट्रेनिंग होती है, उस तरह से मैं कह सकती हूँ कि मेरी व्यक्तिगत तौर पे नृत्य सिखाना कैसे है, ये मैंने अपने गुरु पंडित बिरजू महाराज जी से और पंडित जय किशन महाराज जी से सीखा है। और इसके लिए मैं हमेशा ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी कि निस्वार्थ तरीके से कैसे अपने शागिर्दों को सिखाते हैं, किस तरह से सिखाते हैं, मेरी वो ट्रेनिंग उनके पास रही है। और मंच प्रस्तुति में कितने डिसिप्लिन की ज़रूरत है,
किस तरह से सोच की ज़रूरत है, किस तरह से उसकी रिसर्च की ज़रूरत है और कितनी ईमानदारी की ज़रूरत है, ये मैंने अपनी गुरु अदिति मंगलदास जी से सीखा है। ये मैं ज़रूर कह सकती, जैसा कि आपने कहा कि गुरु कहते हैं कि मैं अभी तक शिष्य हूँ, ऑफकोर्स, और हम तो जब वो कहते हैं ये बात कि आज तक वो शिष्य के तरीके से हैं, तो हम तो अभी बूंद भी ढंग से नहीं बने हैं। सो मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर में उनके शिष्य की तरह, अपने सभी गुरुओं की शिष्य की तरह मैं जीऊँ और जब तक नृत्य करूँ ईमानदारी से करूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, और पंडित जी तो कहते भी हैं कि उन्होंने जो फिल्मी कलाकारों को जो कथक की बारीकियां सिखाई, उसके पीछे की वजह यही थी कि चाहे वो माधुरी दीक्षित हो, चाहे वो कमल हासन हो, ये मैं बताना भी चाहूंगा रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को कि महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने इन लोगों को इसीलिए सिखाया क्योंकि इन लोगों ने भी उन्हें गुरु समझा, टीचर नहीं समझा। खैर, हम आते हैं गौरी अब अगले हिस्से में इंटरव्यू के, और उसके बाद आप पहुंची अदिति मंगलदास जी के पास। तो बिरजू महाराज जी से और फिर उनके पुत्र से भी आपने काफी समय सीखा, उसके बाद अदिति मंगलदास जी के पास जाने का जो किस्सा है कह लें, या जो कह लें कि जो जरूरत महसूस हुई आपको, उसके पीछे की कहानी क्या है? सो कथक केंद्र में मेरी ट्रेनिंग 5 साल की थी, डिप्लोमा ऑनर्स और पोस्ट डिप्लोमा मिला के। दुर्भाग्यवश मेरा ऐसा था कि 2 साल सीखने के बाद ही महाराज जी से, महाराज जी कथक केंद्र से रिटायर हो चुके थे, लेकिन उसके बाद की ट्रेनिंग पंडित जयकिशन महाराज जी के पास मेरी कंटिन्यू होती रही। और मुझे दिल्ली ला करके खड़ा करने के लिए उसमें बहुत बड़ा सहयोग पंडित जयकिशन महाराज जी का रहा, क्योंकि जो मेरी ट्रेनिंग जमशेदपुर से हुई थी उससे बिल्कुल आप कह सकते तैयारी तो थी, लेकिन उसको किस तरह से खूबसूरती से निखारना है ट्रेनिंग के ज़रिए, प्रोग्राम्स के ज़रिए, हमने बहुत प्रोग्राम किए थे भैया के, कई प्रोडक्शंस में मैंने डांस किया था, और इसको आगे कंटिन्यू करते करते उस एक्सपीरियंस के साथ भैया की वजह से मुझे बहुत साथ मिला, और बहुत बड़ा मेरा जो कह सकते मेरी करियर में उनका योगदान है, जिस वजह से आज मैं खड़ी हूँ। और उसके बाद 98 में मुझे अच्छे से याद है कि मिस्टर इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट था, और जिसके लिए मेरी गुरु अदिति मंगलदास जी को बहुत सारे डांसर्स की ज़रूरत थी, और फिर उन्होंने मेरे सीनियर्स को बोला था इस काम के लिए, और मुझे मेरे 2 सीनियर्स आए, उन्होंने कहा कि अदिति मंगलदास जी को बहुत सारे डांसर्स की ज़रूरत है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और वह मैं खुशी खुशी वहाँ चली गई थी, और करीब 98 से लेके आज 2021 है अभी तक मैं उन्हीं के पास हूँ। और 98 से लेकर के मैं उनके हर प्रोडक्शन में प्रोजेक्ट वाइज काम कर रही थी। 2001 से उनका रेपेट्री बना, न्यू रेपेट्री बना, और उसकी मैं क्योंकि मैं कथक केंद्र में स्टूडेंट थी तो मैं पार्टिसिपेट फुल्ली नहीं कर पा रही थी, लेकिन 2001 में जब मैं कथक केंद्र से पास आउट हो गई, फिर उसके बाद मैं अदिति दी के रेपेट्री को मैंने ज्वाइन किया। और मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ, ज़रूरत नहीं थी मुझे, मेरी इच्छा थी कि जो उनके कॉन्सेप्ट है, उनकी सोच है, उसको समझने के लिए 2003 में मैंने अदिति दी से कहा कि मुझे आप एज ए स्टूडेंट आप डांस सिखाइए। तो उन्होंने कहा था, मुझे अच्छे से याद है, हम त्रिवेणी में बैठे थे, त्रिवेणी के कैफ़े में, उन्होंने कहा था तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत सॉलिड है क्योंकि तुम महाराज जी के पास और चीकू के पास से आई हो, फिर मैं क्यों? और फिर मैंने उनको यही जवाब दिया था, तोड़े टुकड़े परन जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो मैं इतना सीख के आई हूँ कि शायद मेरे आगे का 7 पुश्त को ज़रूरत ना पड़े चीज़ों की। और जिस तरह से पंडित जयकिशन महाराज जी का निःस्वार्थ सिखाना और महाराज जी का तरीका सिखाने का जो मुझे मिला है, वो मैं आगे मेरे बहुत काम आएगा। लेकिन मुझे आपकी सोच जो है, जो आप अपना प्रोडक्शंस तैयार करती हैं, जो आपके काम करने का तरीका है, जो डिसिप्लिन है, वो मुझे सीखना है, और इसके लिए मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मुझे अपनी शागिर्द बनाएं, और फिर मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी अच्छे से। और फिर इस ये मेरे जवाब के बाद ही उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया, और 2003 से मैं उनके साथ मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, अभी तक वो चल रही है। सो मैं किसी प्रोडक्शन का चयन कैसे करती हूँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जब मुग्धा की तैयारी हुई थी तो मुग्धा में मैं सोच के रखी थी कि मुझे सिर्फ फीमेल डांसर्स यानी गर्ल्स मुझे लेने हैं, बाकी जो मेरे को डांसर्स थे, और मुझे विमेन पावर की तरह स्टेज पे खड़े होना है, और सिर्फ इतने बड़े स्टेज पे हम मात्र 5 डांसर्स थे, और मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि 5 डांसर्स ऐसे डांस करें कि पूरा पुराना किला का वो स्टेज है वो भर जाए,
उसके लिए मुझे 10 डांसर्स के बारे में सोचने की या खड़े करने की ज़रूरत नहीं थी। सोच, कॉन्सेप्ट, रिसर्च जैसे मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहती कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाए। अर्थ डायरीज, जब मैं दृष्टिकोण में थी और दृष्टिकोण में एक नियम था कि हर 2 साल पे दृष्टिकोण, डांस दृष्टिकोण होता था, तो उस बारी मेरी थी कि कोई प्रोडक्शन तैयार करने की सभी वहाँ के रिपेट्री मेंबर्स को लेके। मैंने तैयार किया था अर्थ डायरीज, काफ़ी पुराने 2010 की बात है, और उस समय मैंने सोचा था क्योंकि मुझे डायरी लिखने की आदत है, और वो डायरी को मैंने सोचा कि अगर अर्थ, ये जो धरती है जिस पे हम खड़े होते हैं, जिस पे मैं नृत्य करती हूँ, ये कैसे एक्सपीरियंस करता है, कैसे फील करता है, और क्योंकि हिंदी साहित्य से मेरा बहुत लगाव है तो इसमें सारी चीज़ों को लेकर के मैंने काफ़ी कविताएँ, हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएँ, गोपाल दास नीरज जी की कविताएँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया था, और डायरी लिखने में मेरी मदद की थी रचना यादव जी ने, जो कि राजेंद्र यादव और मनु भंडारी जी की सुपुत्री हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया था क्योंकि वो बहुत अहम हिस्सा था मेरे इस प्रोडक्शन का। गौरी, अब कोई एक और प्रस्तुति हमें दिखाइए उसके बारे में बताते हुए। नृत्य में जो कलाकार की या संगीत में जो कलाकार की पहचान बनती है थिंकिंग आर्टिस्ट की, वो बनती है कि उस कलाकार के जो प्रस्तुति की विषय वस्तु है वो क्या है। आप जब अपने नृत्यों के लिए विषय वस्तुओं का चयन करती हैं तो किन बातों का ध्यान रखती हैं? जब सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल ने मुझे कमीशन किया इसके लिए, तो ये कोलैबोरेटिव वर्क था जिसके लिए शहर अगेन मेन क्यूरेटर था, और मुझे बोला गया कि आपको बहुत बड़े सिंगर के साथ में इसको क्यूरेट करना होगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और फिर मेरे दिमाग में था कबीर और गौतम बुद्ध के शब्द, डांसिंग एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस मेन शब्द था, और उसके बाद में उसमें जुड़ाव मैंने किया था डांसिंग एम्प्टीनेस, किस तरह से एम्प्टीनेस को हमेशा नेगेटिव तरीके से लेते हैं और उसको मैं पॉजिटिवली देखते हुए अपने शब्दों को, उसमें जो कबीर के शब्द थे उनको यूज़ करते हुए, भुवनेश कोमकली जी ने इसको बहुत ही बढ़िया म्यूजिकली कंपोज किया था, और इस तरह से बना डांसिंग एम्प्टीनेस। फिर बात आई जो कि कला वाहिनी ग्रुप से गुरु मालविका सरुकाई जी ने मुझे सीनियर फेलोशिप दिया, और उसके साथ एक प्रोडक्शन तैयार हुआ जो कि लॉकडाउन के पहले का प्रोडक्शन था, समरात्रि, द नाइट ऑफ डिवाइन यूनियन, शिव और पार्वती। शुरू से क्योंकि मेरा जन्म शिवरात्रि को हुआ है और ये प्रोडक्शन मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था शिव का हमेशा रौद्र रूप हम दिखाते हैं, क्यों ना शिवरात्रि को, जब हम शिव और पार्वती के विवाह के बारे में सोचते हैं और उसके प्रश्नों के बारे में, कि पार्वती कहती है कि आप हैं कौन, किम रूपम तत्वतो, ये शब्द मुझे मिला और इससे मैं पूरा प्रोडक्शन तैयार की। तो मेरे लिए पर्सनली जो मैंने अपने गुरु से, खासकर अदिति मंगलदास जी से सीखा कि किस तरह से कॉन्सेप्ट और रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो मैं हमेशा इस चीज़ को पकड़ के रह गई कि जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए, बहुत गहन तरीके से सोचना है। तो मैं कम से कम 2 साल में एक प्रोडक्शन मेरा तैयार हुआ है अभी तक का, इसी तरह से हुआ है, चाहे वो छोटा हो 10 मिनट का या 1 घंटे का प्रोडक्शन, समय लगता है इसमें।
गौरी, एक प्रस्तुति आपकी ऐसी है जो जिस पर अगर बातचीत ना की जाए तो वो बातचीत अधूरी मानी जाएगी, और वो है हरी हो गति मेरी। इसके बारे में बताएं और संभव हो तो इसकी कुछ झलकियां भी दिखाएं। जब बाकी प्रोडक्शंस मैंने बनाए हरी हो गति मेरी, उसके कॉन्सेप्ट और रिसर्च के लिए मेरे मित्र हैं एक संजय नंदन जी ने, उन्होंने हेल्प किया था, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि आप जो लोग हैं कथक डांसर, वो आप लोग एक परिधि के अंदर हैं, सिर्फ अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को करते हैं, इससे बाहर निकल के सोचने की ज़रूरत है। और जब ये चैलेंज मेरे सामने आया और फिर मैं पढ़ना शुरू की, और उसके बाद एक बहुत अच्छी प्रस्तुति निकल के आई, जो जिसमें उन्होंने भी मुझे मदद की थी, और कॉन्सेप्ट उनका था कि हरी हो गति मेरी, मुस्लिम पोइट्स इन लव ऑफ कृष्णा, कि किस तरह से मुस्लिम जो कथक में कभी हम लोग यूज़ किए हैं सबसे ज़्यादा रहीम और रस खान, लेकिन जब हम लोग पढ़ना शुरू किए और आगे जानकारी देखें तो हसरत मोहानी साहब, मोहम्मद जायसी, बिल ग्रामी, मुबारक साहब, इस तरह से जब नाम आगे आने लगे और उनकी चीज़ें मुझे मिलती चली गई इस प्रोडक्शन के लिए। इसको कोरियोग्राफ किया था गुरुजी अदिति मंगलदास ने, और ये भी प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय रही। मैं पूरे मेरे ख्याल से सारे बड़े फेस्टिवल में भारत के और विदेशों में जहाँ भी मुझे मौका मिला वहाँ मैंने इस प्रस्तुति को दिया है, हरी हो गति मेरी। उसी तरह से डांसिंग एम्प्टीनेस, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने रागगिरी से बातचीत की, अपने कार्यक्रमों की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार झलकियां हमें दिखाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। रागगिरी में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सारे प्रश्न का जवाब देने के लिए, बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन थे। और इस समय में जब आप कह सकते हैं कलाकार के रूप में कि 15 महीने से मैं घर पे बैठी हूँ, मैं नहीं, मेरे साथ जैसे बहुत सारे कलाकार हैं दुनिया में जो बैठे हैं, उसमें एक पॉजिटिव तरीके से ये सभी प्रश्नों का आना और उसका जवाब देना, इसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद।